Okay, I'm playing Bela's character. She's a farmer's daughter. She's very close to her father. Her father is unfortunately in a lot of debt. And how does, you know, she help her father इस सिचुएशन से बाहर आने में, और वो क्या क्या सेक्रीफाइस करती है, और इस सेक्रीफाइस में वो किस किस फेज से गुजरती है. इट्स ऑल अबाउट दैट, एंड शी हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली जर्नी, विच इज़ गोना बी फन. बेला इज़ गोना बी फन. ओके, मेरे किरदार का नाम है रूही, और मैं एक इच्छाधारी नागिन प्ले कर रही हूँ शो में. और मेरा जो प्यार है विक्रांत रजत टोकस जो है, उनके साथ मैं हज़ारों सालों के बाद हमारा मिलन होता है, और कैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हम दोनों की लाइफ में, कौन बाधाएं डालते हैं, कितने लोग हमें तकलीफ़ देते हैं, और जब मेरे प्यार को तकलीफ़ होती है तो मैं कैसा बदला लेती हूँ इस शो में. सो इट्स अबाउट दैट. सो इट्स अ वेरी पावरफुल इमोशनल कैरेक्टर, आई कुड से. एंड आई एम श्योर मैं ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम एंटरिंग बालाजी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड आई एम रियली एक्साइटेड. मैं विशाखा खन्ना का किरदार प्ले कर रही हूँ. बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही बोल्ड किरदार है. मैंने ऐसा किरदार पहले कभी नहीं किया. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव डन बिफोर. आई एम वेरी एक्साइटेड. शी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ विट. बहुत ही डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं. एंड आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू वॉच नागिन 3 ऑन कलर्स फ्रॉम 2nd जून. बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जब एकता मैम ने हमारे दोनों के इंस्टाग्राम पोस्ट फोटोग्राफ्स डाले थे. ओवरवेलमिंग था बहुत ही. मिक्स्ड इमोशंस भी थे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर यूज्ड टू वाचिंग सीजन 1 एंड सीजन 2 के कैरेक्टर्स, बट ग्रेजुअली आई कैन सी दैट पीपल आर एक्सेप्टिंग अनीता एंड मी, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द मंथ और मे बी यू नो आफ्टर 2-3 weeks कम्प्लीटली ऑडियंस हमारे फैंस हो जाएंगे एंड दे एक्सेप्ट अस. एब्सोल्युटली. आई हैड बटरफ्लाइज इन माई टमी, एंड यू नो विद ऑल those comments, and some were good, some were negative, but definitely we're really nervous. It's like stepping into somebody else's shoes, but we are giving 100%. Off screen bahut I think bahut positive. Exactly, we all are very positive and we all are working so hard, aur jab sabka ek motive hota hai that we have to give a wonderful show. So you know we all are on the same page. Yeah. So that's why we are saying that we just can't wait to all of you to watch this show, and we are looking forward to 2nd. In fact, kuch hi din pehle main Surbhi se keh rahi thi, main hamesha apna ye date dekhti hu, din change nahi ho raha, sab itna slow kyun ja raha hai. Exactly. Like we are so excited and nervous about it that the time is just not passing. फ़नी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं. Yes. जैसा ही सेड कि एग्जैक्टली यू नो इट्स हाउ यू नो हाउ आर डायरेक्टर स्पीक्स एंड हाउ इज द DOP एंड द एनर्जी यू नो वी जस्ट कीप नोटिसिंग थिंग्स लाइक आई वाज टेलिंग अनीता द अदर डे दैट यू नो व्हेन यू सी द मिरर यू ऑटोमेटिकली पाउट. शी सेड या आई नो व्हेन यू नो व्हेन यू लाफ यू डू योर नोज थिंग एंड ऑल. सो इट्स लाइक Yeah, she does that. So it's like yes, we are just getting to know each other. So that is why the atmosphere is very vibrant. Yeah, and I'm still waiting for Surbhi to get me the kheer because she really makes wonderful kheer. Yeah, see the bonding. Normally, it's not that like that. Only some staff has changed. Or Aisha, who is some fast reason? Because it's altogether a new show. It's a new season. The brand is same. So you know, the newness is gonna be the biggest USP of this season, because we are coming up with an absolutely new story and new faces, and that is why there is a lot more for you in this show. And also Balaji, I think they are bang on with the casting. वो जो किरदार में कौन फिट होता है वो एकता बहुत ब्यूटिफुली जानती है. सो आई एम श्योर वंस यू स्टार्ट वॉचिंग द शो यू विल लव इट. मेरा लुक मेरे लिए भी सरप्राइज है. दिस इज व्हाट आई एम राइट नाउ. द कलर व्हाइट. व्हाइट, यस. व्हाइट इज अपेरेंटली माय फेवरेट कलर, यू कैन से. माय फोन कवर इज आल्सो व्हाइट. अनीता गिफ्टेड मी अ फोन कवर व्हिच वाज आल्सो व्हाइट. दैट्स व्हाई आई एक्चुअली स्नैच्ड इट फ्रॉम हर. एंड अदरवाइज व्हाट आई एम राइट नाउ इज वेरी क्लोज टू बेला, द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग.
मोनिरा नहीं है इस सीजन में, क्या मिस करेंगे? आई हैव नेवर वर्कड विद हर, सो आई एम श्योर ऑडियंस विल डेफिनेटली मिस हर, एंड ऑफ कोर्स शी हैज डन अ फैबुलस जॉब एंड वी आर आल्सो हियर टू डू द सेम. उसकी कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू. मैं प्ले कर रहा हूँ माहिर का कैरेक्टर. माहिर बहुत ही माहिर है और माहिर बेसिकली सारी चीज़ें संभाल लेता है, हैंडल कर लेता है, जैसे एक फैमिली मैन होता है. जितने भी रहते हैं यूवी फैलाता है वो सब माहिर हैंडल कर लेता है. डैड भी जो सारे काम बेसिकली हैंड ओवर कर देते हैं मेरे. डैड मुझे हैंडलर बोलते हैं प्यार से, मेरे घर का नाम है हैंडलर. सो द थिंग इज़ बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं शो के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप सोचेंगे कि अरे यार ये क्यों हो रहा है, अरे यार अब क्या होगा, तो वो सारी मिस्ट्री सॉल्व करने वाला माहिर है. दैट्स वाई ही इज़ माहिर. एंड डैड बताएंगे. एंडी इज बिजनेस टाइकून. एक होटल बनाना चाहता है जहाँ एक मंदिर है, एक पुराना सा पुरानी सी हवेली है, और इस बीच वो चाहता है कि बस ये हवेली ये सब उड़ जाए यहाँ से. और जहाँ जब ये करता है तब पूरी प्रॉब्लम चालू होती है. एंड उसका जो बेटा है यूवी, ही इज़ अ वेरी नॉडी वन, एंड द होल प्रॉब्लम इज़ क्रिएटेड व्हेन यूवी गोज बिलिस्टिक एंड डज समथिंग दैट आई कांट टेल यू. पर आपने प्रोमो में तो देखा होगा क्या करता है यूवी. सो द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यूवी गोज मैड एंड माहिर हैंडल्स एवरीथिंग. उसके दो बीवियां हैं, 5 बच्चे हैं, और माहिर एक राम जैसा बच्चा है और यूवी रावण जैसा है. तो एंडी इज़ बोथ ऑफ देम, यू नो, ही इज़ अ गुड गाय एंड अ बैड गाय. सो इट्स अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, वर्सेटाइल, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दिस रोल. Of course, I'm playing UV, युवराज सहगल in the show. And अगर युवराज की बात की जाए तो वो बिंदास है यार, उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता. आप उसे नेगेटिव नहीं कह सकते, उसे ग्रे कह सकते हैं. स्पॉइल्ड ब्रैट और इज अ फ्लैम्बॉयंट, और पावर है, पैसा है, फ्रीडम है, हर चीज़ है उसके पास. अगर ये सब चीज़ें किसी के पास होंगी तो उसे लाइफ जीने का मज़ा ही अलग होगा. सो ही बिलीव्स इन लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट. मतलब हमारी कास्ट हमारे शो की अलग है. हमने उनके साथ काम नहीं किया ना. ऑफ कोर्स तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी कास्ट के साथ जो हमारी बॉन्ड बन रही है वो लोग ज़्यादा मिस करेंगे जब वो चीज़ देखेंगे. तो आई थिंक द स्टार कास्ट वी हैव राइट नाउ, वी हैव करिश्मा तन्ना, वी हैव अनीता हसनंदानी, सुरभि एंड रक्षंदा खान, यू नो, फैंटास्टिक एक्ट्रेसेस, गुड लुकिंग. They have got a big fan following, so of course Moni Roy will be missed, but I think people will find that these people are up to it. देखिए पहले वाले लोगों ने बहुत अच्छा मार्क सेट किया हुआ है. मोनी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया. दैट्स व्हाई शी इज़ देयर एंड शी इज़ डूइंग रियली गुड इन लाइफ एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. वो जो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू एंटरटेन यू एज मच एज दे डिड इवन मोर. और ये जो स्टोरी है बेसिकली, जैसा कि डैड ने कहा, हीरो स्टोरी है. जो पहले स्टोरी थी वो कुछ और थी, जो अभी स्टोरी है वो कुछ और है, और अभी वाली स्टोरी डेफिनेटली पहले से बहुत अच्छी होने वाली है. मतलब जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट करे हैं, वी विल ट्राई टू टेक द लिटिल अहेड. वी विल डेफिनेटली टेक इट. हमें आपसे बहुत सारा प्यार चाहिए, प्लीज हमारा शो देखते रहिए. प्लीज 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 प्लीज. 2 जून से आ रहा है. आपका इंतजार आपका खत्म होगा. नाग इंटरेस्ट नहीं आ रही है आपको. ओनली ऑन कलर्स दैट वी कैन टॉक. थैंक आई थिंक नागिन इतना बड़ा फ्रेंचाइज है कि अगर किसी को भी ऑफर किया गया हो तो हो ही नहीं सकता कि वो एक्साइटेड नहीं होंगे. सीज़न 1 और 2 इतने बड़े सक्सेस रह चुके हैं कि अभी सीज़न 3 के लिए तो लोगों की और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं. तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मुझे एक मौका मिला है टू बी पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज. और जहाँ तक हमने शूट किया है, जहाँ तक कहानी हमें सुनाई गई है, उसमें इतना मसाला है, इतना ड्रामा है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि मुझे लगता है कि पहले 2 सीजन्स में जितना मसाला था शायद उन्होंने अभी सीजन 3 में डाला हुआ है. मैं बोलना तो नहीं चाहती कि बाकी सारी सीरियल्स की बैंड बजने वाली है, बट लगता तो कुछ ऐसी है. अपने कैरेक्टर के बारे में सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि कैरेक्टर का नाम है सुमित्रा सहगल. वो एंडी सहगल की पत्नी है जो चेतन हंसराज प्ले कर रहे हैं, और उनके 3 बच्चे हैं. और कहानी है इस परिवार की और कैसे ये परिवार नागिन की वजह से अफेक्ट हो जाता है, क्यों नागिन की वजह से अफेक्ट होता है, और क्या है रहस्य जो आगे जाके सॉल्व होने वाला है.
हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या आप लोगों पे सीज़न वन और टू का प्रेशर है, तो मुझे लगता है नहीं, वन और टू का प्रेशर हम पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंटायरली नई स्टार कास्ट है, एंटायरली नई कहानी है, और जैसा कि मैंने कहा, जहाँ तक हमें बताया गया है वहाँ पर ऑलरेडी इतना मसाला डाला गया है कि पॉसिबल ही नहीं है कि लोगों को ये पसंद आए, पसंद ना आए। ऑब्वियसली जो मोनी के फैंस हैं वो कहीं ना कहीं मोनी को ढूंढना चाहेंगे इस शो में, और ऐसा शायद नहीं है कि मोनी बिल्कुल नहीं है, तो उनके फैंस के लिए भी कुछ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फ्रेंचाइज, कोई भी कहानी जो क्रिएशन होती है वो हमेशा एक्टर्स और स्टार्स से बड़ी होती है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, द रियल हीरो इज़ द स्टोरी। और जब आप ये शो देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि कहानी इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग है कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा किसी के बारे में सोचने का। अभी मैंने ये तो नहीं कहा कि मोनी शो का हिस्सा है, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मोनी शो का हिस्सा नहीं है, तो फिर मैं क्या कह रही हूँ? ये जानने के लिए देखिए नागिन सीजन 3। ओके, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका का शूटिंग का ओवरऑल? अब मेरा एक्सपीरियंस बालाजी के साथ हमेशा ही फैंटास्टिक रहता है, और क्योंकि ये उनका इतना ज़्यादा चहीता शो है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे ही इतने चार्ज्ड अप हैं, इट्स जस्ट सच अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म टू बी पार्ट ऑफ, सच अ फैंटास्टिक शो टू बी पार्ट ऑफ, और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि इतने बड़े फ्रेंचाइज का हिस्सा हूँ, एंड वी आर होपिंग दैट इज जस्ट गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक रन। ओके, फाइनली इस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हर कोई ये कह रहा है नागिन वन इतना बड़ा सक्सेस था, नागिन टू इतना बड़ा सक्सेस था, तो भाई नागिन थ्री तो उससे भी बड़ा सक्सेस होना चाहिए ना, इसलिए जून 2nd से देखते हैं नागिन 3।